हे दोस्तों, वेलकम बैक टू द चटपट टॉय टीवी। आज की वीडियो में मैं अनबॉक्स और टेस्ट करने वाला हूँ लैंड एंड स्काई टेलीस्कोप। ये जो टेलीस्कोप है ऑप्टिकल ग्लास एंड मेटल ट्यूब के साथ आता है और 90x पावर बोल के भी यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर आप पढ़ सकते हो गाइस, एक वार्निंग भी लिखी है, ये टेलीस्कोप से आपको सन को बिल्कुल भी नहीं देखना है। अगर आप ऐसा करते हो तो आपके आंखें भी खराब हो सकती है। बी केयरफुल गाइस, अगर आप ये टेलीस्कोप खरीदते हो तो बिल्कुल भी सूर्य को मत देखना इस टेलीस्कोप से। तो चलो दोस्तों, मैं आपको इसका प्राइस बता देता हूँ और ये भी बता देता हूँ मैंने इसे कहाँ से खरीदा है, उसके बाद में करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग। ये रहा अमेजोन, इसे मैंने खरीदा था अमेजोन से। इसका प्राइस आप देख सकते हो 1649 रुपीस है। आप अगर ये टेलीस्कोप खरीदना चाहते हो तो बाय लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप चाहे तो इस टेलीस्कोप को खरीद भी सकते हो। ये जो टेलीस्कोप है पूरी तरीके से प्लास्टिक के ब्रीफ केस के अंदर आता है। यहाँ पे देख सकते हो पूरी तरीके से ग्लास है और पीछे की ओर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे भी लिखा है लैंड एंड स्काई टेलीस्कोप 90x पावर बोलकर, और यहाँ पे लिखा है कंप्लीट विद एल्यूमिनियम टेबल टॉप ट्राईपॉड एंड टू पीसेस, यानी कि इसके साथ हमें एक ट्राईपॉड भी मिलता है इस टेलीस्कोप को माउंट करने के लिए। काफी तगड़ी पैकिंग की है इन लोगों ने। चलो दोस्तों, बिना वक्त वेस्ट के फटाफट से इसे निकाल लेते हैं बाहर। वाओ, तो इसके अंदर जितनी भी चीजें हैं फटाफट से सारी की सारी चीजें निकाल लेते हैं गाइस। ये है इसका मेन ट्यूब और मेरे को लगता है ये पूरी तरीके से एल्यूमिनियम का बना है। ये जो सामने वाला पीस है प्लास्टिक का है और यहाँ पे है इसका मेन लेंस, देख सकते हो गाइस। इसे वापस से लगा देते हैं। ओके, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इसकी। इसे रखते हैं साइड में ध्यान से और ये पता नहीं कुछ स्क्रू है। यहाँ पे एक ट्यूब है, मेरे को लगता है ये आई पीस है। हाँ गाइस, यहाँ पे देख सकते हो लिखा है इरेक्टिंग आई पीस 1.5 x बोलकर लिखा है। इससे हम जो भी चीज़ देखते हैं 1.5 गुना बड़ा करके दिखाता है ये वाला आई पीस। तो ये है इसकी यूज़र गाइड, इसे रखते हैं साइड में। और भाई यहाँ पे कुछ है, इसे भी निकाल लेते हैं बाहर। ओके, ये है एल्यूमिनियम ट्राईपॉड, काफ़ी छोटा सा है यार, मैं सोचा था थोड़ा बड़ा मिलेगा, पर इसे आप एक्सटेंड भी नहीं कर सकते हो, यहाँ से बहुत ही छोटा है। तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर से देखना गाइस, पूरी तरीके से मैं आपको इसका सेटअप भी करके बताने वाला हूँ। तो ये है एक आई पीस, देखते हैं कितने mm वाला आई पीस है। ये है H20 mm वाला आई पीस, तो इसे भी रख देते हैं ध्यान से साइड में। एक और आई पीस है, ये कितने mm वाला है देखते हैं गाइस। ये है 6 mm वाला आई पीस, इसे भी रखते हैं साइड में। इस मेरे को पता नहीं ये क्या चीज़ है, यहाँ पे लिखा है मून बोलकर और ग्रीन कलर का एक लेंस है, देखते हैं इसे कहाँ पे लगाते हैं। तो देख सकते हो गाइस, पूरी तरीके से हम इसके अंदर ऑर्गेनाइज करके सारे के सारे टेलीस्कोप के पार्ट्स इसके अंदर रख सकते हैं। बहुत ही मस्त क्वालिटी लगी मुझे तो इस ब्रीफ केस की। तो चलो दोस्तों, अभी इस सारे टेलीस्कोप को जोड़ लेते हैं फटाफट से। इसे असेंबल करने के लिए पहले ले लेते हैं हम ट्राईपॉड। तो इस ट्राईपॉड पर इसे माउंट करेंगे यहाँ पर इस तरह से, और यह एक नट, इसे यहाँ पे लगा देता हूँ इसमें, और इसे यहाँ से रखकर टाइट कर दूंगा। ओके, तो देख सकते हो गाइस हमारा टेलीस्कोप इसके ऊपर माउंट हो चुका है। तो अभी इसे ओपन कर लेते हैं, तो इस तरह से दिखाई देगा हमारा टेलीस्कोप। आपको कैमरे में प्रॉपर नहीं दिखाई देगा गाइस, तो मैं आपको बाहर भी लेके जाके बताऊंगा। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमें आई पीस रखना होता है, शायद यहाँ पे एक स्क्रू है, इसे ओपन कर लेता हूँ मैं यहाँ से। ये ओपन हो जाता है और इसके अंदर हम रख सकते हैं एक आई पीस, ये रहा, इसे यहाँ पर डालना होता है इस तरह से, देख सकते हो यहाँ पे फिक्स हो चुका है। अभी इसे हम इस तरह से टाइट कर सकते हैं। अभी हमारा आईपीस जो है निकलेगा भी नहीं बाहर,
तो हमें निकालना होगा, तो ये स्क्रू लूज करना होगा, फिर यहाँ से हम दूसरा वाला आई पीस भी लगा सकते हैं। तो एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ गाइस, यहाँ पे है फोकल एडजस्ट करने का व्हील, इससे हम इसे एक्सटेंड कर सकते हैं और फोकल को एडजस्ट कर सकते हैं ताकि इमेज हम जो देख रहे हैं वो क्लियर नज़र आए। तो इस तरह से इसे अंदर भी कर सकते हैं, तो बहुत बढ़िया चीज़ है गाइस ये। तो एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो है गाइस, अगर मान लो हमें कोई भी चीज़ को और बड़ा देखना है तो ये जो पार्ट है इसे यहाँ पर लगाना होता है, उसके बाद में जो चीज़ भी हम देखना चाहते हैं और 1.5 गुना बड़ा करके देख सकते हैं। ये जो चीज़ है यहाँ पे इस तरह से फिट हो जाती है, तो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा इसे भी किस तरह से फिट करना है। तो चलो दोस्तों अभी चलते हैं बाहर, मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा बाहर इस टेलीस्कोप से बताने के लिए, क्योंकि यार अभी हमारे पास जो है मोबाइल है, हमारी आंखों से तो हम सही से देख सकते हैं इस लेंस के अंदर से, पर मोबाइल से दिखाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है गाइस। मैं पूरी कोशिश करूंगा मैं जो देख रहा हूं वो आपको भी सही से बता सकूं। तो चलो दोस्तों अभी चल के बाहर इस टेलीस्कोप को टेस्ट करते हैं, देखते हैं क्या इसके अंदर सच में 90x पावर है कि नहीं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं हमारे छत के ऊपर इस टेलीस्कोप को टेस्ट करने के लिए। तो आपको जो वहाँ पर एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है ना गाइस, जो ईंटें लगी हुई हैं अभी कंस्ट्रक्शन में है वो बिल्डिंग, वो जो बिल्डिंग है मेरे टेलीस्कोप से अभी उसके ऊपर फोकस करके देखते हैं इस टेलीस्कोप की क्वालिटी कैसी है। तो गाइस देख सकते हो अभी ये जो कंस्ट्रक्शन वाली बिल्डिंग है इसकी खिड़की यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है। ओके, तो मैं यहाँ पे पूरी कोशिश कर रहा हूँ गाइस ताकि आपको क्लियरली दिखा सकूँ, तो क्लियर दिखाई दे रहा है अभी देख सकते हो आप। तो और कुछ भी देखने के लिए ट्राई करते हैं, इसमें क्वालिटी तो काफ़ी अच्छी है इसकी। तो गाइस वो जो बिल्डिंग है आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा दूर है, मेरा फ़ोन मैक्सिमम इतना ही जूम कर पा रहा है उस पर आप टेलीस्कोप से देखे होंगे कितना ज़्यादा जूम कर रहा है, और उसकी क्वालिटी भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो गाइस मैं आपको एक और टावर दिखाता हूँ जो कि मोबाइल का टावर है, मेरे घर से शायद वो जो टावर है 2 किलोमीटर दूर होगा, आपको वहाँ पे दिखाई दे रहा होगा गाइस। अभी हमारा जो टेलीस्कोप है उसके ऊपर फोकस करते हैं हम, तो अभी मैं आपको टेलीस्कोप में से दिखाने की कोशिश करता हूँ गाइस वो जो टावर है। ओ भाई गजब, देख सकते हो गाइस यहाँ पे एक टावर दिखाई दे रहा है और उसके पीछे एक मंदिर तक दिखाई दे रही है हमें। तो अभी थोड़ा थोड़ा जो है ना गाइस अंधेरा होने वाला है, तो यहाँ पे थोड़ी बहुत धुंध भी आने लगी है, तो क्लियरली मैं तो मेरे आंखों से देख पा रहा हूँ। तो और कुछ चीज़ें देखते हैं यार इस टेलीस्कोप से, वहाँ पे देख सकते हो आप एक और टावर दिखाई दे रहा है, मैं मेरे मोबाइल से थोड़ा जूम करता हूँ उसके ऊपर, ये देख सकते हो पूरा जूम कर दिया है मैंने, वहाँ पे है एक शायद मस्जिद का मीनार दिखाई दे रहा है, उसके पीछे एक टावर भी है, तो हम वो टावर को देखने की कोशिश करते हैं। तो टेलीस्कोप में लगा देता हूँ मैं, भाई गजब यार देख सकते हो गाइस टावर जो है कितना क्लियरली नज़र आ रहा है, शायद ये जो टावर है मेरे घर से 3 किलोमीटर की दूरी पे है गाइस, बहुत दूर है यार, अगर आज मून वगैरह नज़र आ जाता तो बड़ा ही कमाल हो जाता गाइस। मैं आपको पूरी तरीके से मून भी दिखा देता इसके अंदर से किस तरह से दिखाई देता है। तो अभी देख सकते हो गाइस ये जो है मस्जिद का मीनार है, ये भी काफ़ी अच्छी तरीके से नज़र आ रहा है हमें, वाओ। तो गाइस अभी थोड़ा मैं रात होने का इंतज़ार कर लेता हूँ, अगर तारे वगैरह नज़र आते हैं तो इसे देखने की पूरी कोशिश करेंगे। तो गाइस अभी रात हो चुकी है, मैंने ले लिया है हमारा टेलीस्कोप, तो चलो चलते हैं अभी टेरेस पर, देखते हैं चांद दिखाई दे रहा है कि नहीं। तो भाई आ चुके हैं हमारे टेरेस पर, तो भाई मेरे को लगता है आज कुछ सीन वगैरह बिगड़ा हुआ है आसमान का, गाइस देख सकते हो बहुत ज़्यादा बादल छाए हुए हैं यार आज, पता नहीं मेरे को तो लगता है आज बारिश वारिश होगी रात में। तो गाइस मून तो नज़र नहीं आ रहा है कहीं पर भी जैसे कि आप देख सकते हो। तो गाइस आप जो है ना मेरे को नीचे कमेंट करके ज़रूर बता देना इस टेलीस्कोप से मैं एक और वीडियो बनाऊं कि नहीं, जो कि हम पूरी तरीके से मून को देखेंगे इस टेलीस्कोप को यूज़ करके। तो चलो गाइस अभी चलते हैं नीचे और कुछ बात करेंगे इस टेलीस्कोप के बारे में।
दोस्तों इस टेलीस्कोप के अंदर अभी जो है मैंने यहाँ पे 20mm वाला लेंस लगाया हुआ है। अगर मान लो दोस्तों आपको और ज़्यादा जूम करके देखना है कोई और चीज़ को, तो मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये वाला जो लेंस है बताया था, तो इसे किस तरह से यूज़ करना है अभी मैं आपको बताता हूँ। ये जो लेंस है 1.5x बढ़ा के दिखाता है हर चीज़ को, तो इसे भी फिट करके देखते हैं। इसे फिट करने के लिए पहले हमें ये निकालना होगा गाइस, यहाँ से इसका स्क्रू लूज़ कर लेते हैं थोड़ा सा, ये इस तरह से बाहर आ जाता है। उसके बाद हम लगाएंगे इसे यहाँ पर और फिर इस स्क्रू को टाइट कर देंगे इस तरह से, टाइट हो चुका है। यहाँ पर एक और कैप है, इसे हटा देता हूँ मैं इस तरह से, देख सकते हो हट चुका है। अभी देखना गाइस ये जो है आईपीस, इसे मैं यहाँ पे सेट करूँगा। अभी इसे यहाँ से फिट कर देंगे और यहाँ पे इस ट्यूब की लेंथ आप देख सकते हो गाइस इतनी ज़्यादा बड़ी हो चुकी है। इस वजह से हम कोई भी चीज़ को और ज़्यादा जूम करके देख सकते हैं इस टेलीस्कोप से। दोस्तों आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बता देना मैं इस टेलीस्कोप का एक और वीडियो बनाऊं कि नहीं। तो दोस्तों मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ कि एक टारगेट सेट कर दूँ, तो मैं चाहता हूँ गाइस इस वीडियो पर आप 5000 लाइक ज़रूर से कर देना। उसके बाद मैं इस टेलीस्कोप से मून भी आपको दिखाऊँगा कि मून किस तरह से दिखाई देता है इस टेलीस्कोप को यूज़ करके। तो दोस्तों मुझे तो ये टेलीस्कोप यूज़ करके काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, पर इस टेलीस्कोप के अंदर एक छोटी सी प्रॉब्लम है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसकी जो प्रॉब्लम है ये है इसका ट्राईपॉड। आप देख सकते हो गाइस बहुत ही छोटा सा ट्राईपॉड है। अगर आप इसे बाहर यूज़ करते हो तो आपको एक टेबल भी चाहिए इस तरह का यूज़ करने के लिए, वरना गाइस आपको नीचे बैठ कर इसे यूज़ करना होगा। तो गाइस मैंने तो इसे टेबल पर रख के आपको सारी चीज़ें बता दी है। आपको ये टेलीस्कोप कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बता देना। तो चलो दोस्तों आप अगर खरीदना चाहते हो तो इसका बाय लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहे तो वहां से जाकर इस टेलीस्कोप को खरीद भी सकते हो। तो अभी मैं दे देता हूं शॉट आउट। दोस्तों कल मैंने जो है ना ये देसी कट्टा टॉय गन की वीडियो डाली थी, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो जाकर जरूर से देख लेना, बड़ी ही कमाल की टॉय गन है। तो यहां पे सबसे पहला नाम आ जाता है अविनाश कुमार, निहाल मोहम्मद, सायक रॉय चौधरी, बशीर, प्रेरित, रोहित गेमिंग, सौविक, सम्राट सिंह, विग्नेश, एलन जोसेफ। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शॉर्ट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट, कमेंट करने के बाद आपका नाम भी जरूर से टाइप कर देना दोस्तों, ताकि मैं आपको ही शॉर्ट आउट दे सकूं। आज की वीडियो यहीं पर होती है एंड, मिलता हूँ आपसे मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में और इसी तरह कुछ धमाकेदार प्रोडक्ट्स के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों।